अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑफ नेशनल बुक फाउंडेशन ग्रेड नाइन्थ मैथमेटिक्स डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ एक्सरसाइज वन पॉइंट वन सो यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो फॉलो द फेसबुक पेज फेसबुक पेज पे आपको इन एक्सरसाइजेस के सोलूशंस मिल जाएंगे इसके अलावा यू नो इट कि हमारा जो पेपर है वो एस एल ओ बेस्ड है तो आपको वहां पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे सो बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर थ्री आपको कुछ सिंबल्स का पता होना चाहिए जैसे कि यू हैव दिस सिंबल इट्स लाइक एल एंड दिस सिंबल एंड दिस वन लास्ट वाले से तो आप फेमिलियर हैं दिस सिंबल इज used for less than and the symbol is used for greater than and this is equal to sign or equal to symbol or we can say it's equality symbol. Uh, up update students to you uh, pass uh, the first one and the second one, ये हमारे पास जो साइन है ये इन इक्वालिटी साइन है ठीक है इन इक्वालिटी साइन और ये आपको पता है कि इक्वल टू का साइन है या इक्वालिटी है नाउ uh, uh, हम कुछ कंबिनेशन देख लेते हैं अगर लेस देन साइन के साथ अगर लेस देन साइन के साथ ये डैश एंड इक्वल टू साइन हो तो इट्स मीन लेस देन और इक्वल टू इसी तरह से ग्रेटर के साथ अगर आपके पास इक्वल लाइन है इट्स मीन इट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी कि ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू सो इन क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास इनिक्वालिटीज हैं सो हमने उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है डियर स्टूडेंट्स लाइक एक्स लेस देन टू ठीक है यानी टू से छोटे तमाम नंबर्स इसमें इंक्लूडेड होंगे एंड एक्स ग्रेटर देन टू मीन्स टू से बड़े तमाम नंबर्स इसमें शामिल होंगे यानी अगर नंबर लाइन आप इमेजिन करें तो राइट right साइड पे सारे नंबर्स इसी तरह से माइनस टू लेस देन एक्स लेस टू ये डियर स्टूडेंट्स आप अच्छे तरीके से समझ लें ये आपको इंटरवल गिवन है दैट यू हैव टू बी बिटवीन माइनस टू एंड टू के दरमियान आपने रहना है ठीक है अब इसमें माइनस टू और टू जो है वो आपके पास ये इंक्लूडेड नहीं है ठीक है यानी माइनस टू और टू को आपने इंक्लूड नहीं करना इसी तरह से अगर आप इसको माइनस टू लेस देन और इक्वल टू अब आप देखें इक्वल टू भी आपके पास आ गए अब आपने माइनस टू और टू को इंक्लूड करते हुए माइनस टू और टू के दरमियान रहना है ठीक है यानी माइनस टू और टू भी इसमें इंक्लूड होगा ठीक है सो अब हमने इसको अप्लाई करना है हमने रिप्रेजेंट करने हैं नंबर्स नंबर लाइन पे सो so, और जैसे कि अब अगर आप लिख दें एक्स लेस देन टू इक्वल टू इंक्लूड होगा और सेकेंड वाले जो है एक्स ग्रेटर देन टू इसमें टू इंक्लूड नहीं होगा सो so, हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो लेस देन जीरो सो जीरो से छोटे तमाम नंबर्स सो जीरो से छोटे तमाम नंबर्स जो हैं वो आपके पास जो हैं वो left side है वो लेफ्ट साइड पे ठीक है सो आप जीरो हम नंबर्स कुछ लिख लेते हैं जीरो माइनस वन माइनस टू डी स्टूडेंट्स मार्किंग के दरमियान जो है वो गैप आपने इक्वल रखने, सो ऑन so और कुछ पॉजिटिव नंबर्स जो है वो नंबर लाइन पे मैं लिख लेती हूँ डियर स्टूडेंट्स अब लेस देन जीरो आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे ठीक है सो आपने क्या करना है कि इसको अब आपने शो करना है नंबर लाइन को कि वो नंबर्स कौन से लेस देन जीरो आप एक सर्कल बनाएंगे एक होल बनाएंगे और लेस देन जीरो यानी आप इस तरफ मूव करेंगे इस सर्कल को डियर स्टूडेंट्स आपने एम रखना है ये होलो सर्कल होगा आप फिल्ड सर्कल भी यूज करेंगे अभी नेक्स्ट जो पार्ट से उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि होलो सर्कल कब बनाना है और फिल्ड सर्कल कब बनाना है अब नेक्स्ट है माइनस थ्री टू थ्री ठीक है सो ये आपको आ, आ, जो है वो रेंज इंटरवल गेवन है ठीक है यानी यू हैव टू बी इन बिटवीन थ्री एंड माइनस थ्री के दरम्यान आपने रहना अब एक एक्स्ट्रा नंबर भी लिख लेती हूँ इट्स गुड टू राइट वन एक्स्ट्रा नंबर ठीक है अब आपने रहना है माइनस थ्री टू थ्री सो यू विल ड्रॉ सर्कल और अ होल माइनस थ्री और थ्री पे आप बना लेते हैं और लाइन से आप जो है वो ये नंबर शो कर लेते अब आप देखें दोनों सर्कल जो है वो आपके एम टी दोनों सर्कल जो है वो आपके होलो हैं ठीक है नाउ uh, हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं अब थर्ड पार्ट में x ग्रेटर देन माइनस एट है आपके पास ठीक है और आप देख सकते हैं कि इसमें इक्वल टू साइन भी है x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस एट अब माइनस एट को इंक्लूड करना है आपने और इंक्लूडेड मीन्स कि अब हमारा जो सर्कल है वो होलो नहीं होगा हमारा सर्कल फिल्ड होगा ठीक है सो so, मैं नंबर लाइन पे नंबर्स लिख लेती हूँ एक एक्स्ट्रा नंबर्स इट्स गुड टू राइट एन एक्स्ट्रा नंबर माइनस एट से बिग नंबर्स बिगर नंबर्स वी हैव टू राइट सो so, आप देखते हैं कि नंबर्स बिगर किस तरफ होते जाते हैं राइट right साइड पे नंबर्स बड़े हो जाते हैं सो so, uh, हम माइनस एट पे सर्कल बनाएंगे एंड दैट वुड बी द फील्ड सर्कल ठीक है वो फिल्ड सर्कल होगा माइनस एट मी ड्रॉ इट ये माइनस एट और इस सर्कल को आपने फील्ड कर ठीक है अब आपको क्लियरली डिफरेंस जो है पता चल गया होगा कि फिल्ड सर्कल आपने कब यूज करना है और होलो सर्कल आपने कब यूज करना है था ठीक है अब ग्रेटर देन जीरो जीरो से बिगर नंबर तो जीरो से बिगर नंबर हमारे पास ऑन द राइट साइड है सो हम कुछ नंबर्स अपने नंबर लाइन पे लिख लेते हैं और कुछ नेगेटिव नंबर्स भी अब ग्रेटर देन ज़ीरो ज़ीरो से बिगर नंबर ठीक है सो बिगर नंबर जीरो से आप देख सकते हैं वन टू थ्री फोर तो हम ज़ीरो से स्टार्ट करके और इस तरह से एरो हेड के साथ लाइन बना देंगे एंड दैट uh, जो सर्कल है आपके पास वो फिल्ड होगा या होलो होलो एक्स लेस देन माइनस थ्री हमारा नेक्स्ट जो फिफ्थ पार्ट है यानी माइनस थ्री से छोटे नंबर्स ठीक है अब माइनस थ्री से छोटे नंबर हम ले लेते हैं माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स नाओ ओके सो हमारा सर्कल होलो होगा या फिल्ड हमारा सर्कल होलो होगा सो so, माइनस थ्री से छोटे नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे माइनस फोर Minus five, minus six, and so on. Oh. Next year, students, we have minus four, less than x, less than equal to four. Now, your range kya hai Four to four. Okay, minus four to four. So, I make extra number. Like Let's one, minus two, minus three, and minus four. सो so, सबसे पहले आपका ये जो इंटरवल है आप इस पर सर्कल्स बना लेंगे होल्स बना लेंगे माइनस फोर टू फोर आपने इसके दरमियान में रहना है ठीक है अब फोर पे जो सर फोर को इंक्लूड करना है और माइनस फोर को इंक्लूड नहीं करना ठीक है तो हम माइनस फोर को इंक्लूड नहीं करना है, और फोर को इंक्लूड करना है सो so, इंक्लूड ना करना मीन एम्प्टी सर्कल और इंक्लूड करना मीन्स दैट उसको आपने फिल कर देना सो आई एम फिलिंग दैट सो ये आपने शो कर दिया नंबर uh, लाइन पे ठीक है सो जी स्टूडेंट्स आपने देखा इट्स सो इजी ठीक है यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पास होलो सर्कल एंड फिल्ड सर्कल का है सो so, होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स समझ आ गया होगा